दोस्तों, मैं उन्नसी तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। किसानों होशियार, सावधान। किनौट में नकली बीज वो खत आ गए हैं। किनौट की ऐसी एक घटना, किनौट के जाने माने माजी नगर अध्यक्ष वो बहुत पुराने शेतकरी ईसा खान साहब के खेत में हुई है। ईसा खान साहब ने 3 एकड़ में मक्का पेरनी की थी। उस मक्के की देखभाल कर उसको बड़ा किया। जब मक्का भुट्टा तैयार था, लेकिन उस मक्के में बीज नहीं थे। पूरा 3 एकड़ के खेत का मक्का भुट्टे में बीज ही तैयार नहीं हुआ। इस पर माजी नगर अध्यक्ष ईसा खान साहब को अफसोस हुआ। इसकी जानकारी आज की न्यूज वो किनौट टुडे को दी और कहा कि किनौट में नकली बोगस खत वो बीज आ गए हैं। किनौट के कृषि अधिकारी इस पर ध्यान दे और किनौट के कृषि केंद्र दुकानों पर रेड करें, तहकीकात कर सील ठोकें और जो किसान खत वो बीज की पेरनी किए हैं उसकी परख कर ले। किसानों, जब भी आप खत वो बीज ले, पूरी जानकारी कर ले और दुकानों से पक्का बिल ले। बेचारे किसान बहुत मेहनत से हम तक अनाज पहुंचाते हैं, इसीलिए हमको अनाज मिलता है। जब किनौट के ऐसे पुराने किसान वो माजी नगर अध्यक्ष ईसा खान साहब को नकली वो खत बीज दिए हैं, तो बाकी क्षेत्रीय किसानों को आप समझ गए होंगे। इन कृषि केंद्रों पर किनौट कृषि अधिकारी जाकर देखें और इन पर कार्रवाई करें। किनौट में इससे पहले भी बहुत सी घटना घटी है। बेचारे शेतकरी किसानों को क्या मालूम, इसीलिए नापीकी की वजह से शेतकरी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर ईसा खान साहब की प्रतिक्रिया। पूरा भरा तो पैसे बन इतने का पैसे रखना पड़ा। स्टार्ट। किनवट येथील प्रतिष्ठित शेतकरी ईसा खान सरदार खान साहेब यांच्या शेतामध्ये या वर्षी नगदी पीक म्हणून या ठिकाणी मक्याची पेरणी केलेली आहे। जवळजवळ 3 एकरच्या शेतामध्ये हे मक्याचे बियाणे त्यांनी या ठिकाणी लावलेले आहे। परंतु या ठिकाणचं जे मका आहे, या मक्याला बिलकुल कोणत्याच प्रकारचे दाणे येत नाहीत, त्यामुळं हे शेतकरी या ठिकाणी हैराण झालेले आहेत। या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं आहे की हे जे बियाणं आहे हे बियाणं डुप्लिकेट आहे। त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की त्यांचं काय म्हणणं आहे। पिछले साल मैं पेरा था, यही मका बहुत अच्छी आई। एक एक झाड़ को 4 नग आए और मैं 10 रुपये में 1 नग बेचा। बहुत अच्छी फसल है ये। इसके बाद मैं इस साल पेरने की तैयारी किया, अच्छा काश किया, पानी दिया, बराबर फेरा, बराबर उठे। ये बीज डुप्लीकेट आया है। बीज इसका खराब आने से इसको दाने नहीं भरे और कोई लेने को तैयार नहीं, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3 एकड़ में नुकसान होना, बोले तो काश्तकार कहाँ जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है। कम से कम एग्रीकल्चर ऑफिसर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। वो बिल्कुल अलगर्जी बना है उनका, कोई देखते नहीं, करते नहीं, इसलिए काश्तकार को नुकसान है। इसलिए मैं इतनी बड़ी लॉस, मेरे नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए इसकी शासन की मुझे भर्ती होना, इसको शासन भर्ती करके देना और उनको पनिशमेंट करना। मेरे पास ब्याग भी है और उसके जो पावतियाँ है वो भी है, मैं पूरे दाखिल करके कार्रवाई करने वाला हूँ, कोर्ट में जाने वाला हूँ। पूरे काश्तकार परेशान है और भी कौन से बीमे फर्क है मालूम नहीं है। ये मेरे पास तजुर्बा बोल के मैं पिछले साल निकाला, बहुत अच्छा आया, बहुत फायदा हुआ मुझे। इस साल मैं वो भरोसे पे रहा हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ और आज कुछ भी नहीं है। तो कई काश्तकार ऐसे परेशान हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर दुकानों में देखना चाहिए, कंपनियों में देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बीज खराब है और इसके डुप्लीकेट है? 100% मैं बोलता हूँ कि बीज, मेरा तजुर्बा है, मेरी उम्र जा रही पूरी, 70 साल का आदमी हूँ मैं, मुझे मालूम है, मैं बचपन से खेती करता हूँ, इसलिए मुझे ये कंपनी पे कार्रवाई करना, ऐसी आपकी रद्द करना और उनके पर रेड डालना, गवर्नमेंट ने पनिशमेंट देना उनको और हमारी भर्ती करके देना। हमारी काश्तकार की हम मजबूर है, हमारी भर्ती करके देना। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...